नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप सब लोग जानते हैं कि लड़के और लड़कियां एनटीएससी एग्जाम को देते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए क्या चीज अलाउड नहीं है करना। अगर वो ये काम करके जाते हैं एनटीएससी एग्जाम देते टाइम पे, तो क्या उनको एनटीएससी एग्जाम देने दिया जाएगा या फिर उनको एनटीएससी एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं आप लोगों को एनटीएससी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज आपको प्रोवाइड कराता हूँ, एनटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो लाइव क्लासेस होती है उनकी लिंक वहां पे देता हूं, और साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाता हूं। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। बाकी आज का जो मुद्दा है वो ये है कि भैया आप सब लोग जानते हैं कि एनटीएससी एग्जाम को लड़के भी देते हैं और लड़कियां भी देती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए क्या चीज़ अलाउड है एनटीएससी एग्जाम के अंदर और क्या चीज़ अलाउड नहीं है, इसके ऊपर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं, जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि सर हमारे लिए भी एक वीडियो बनाइए आप और हमारे लिए भी बताइए कि हमारे लिए क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ अलाउड नहीं है, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करना और कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। स्पेशली ये वीडियो जो है वो लड़कियों के लिए है, जो भी लड़की एनटीएससी एग्ज़ाम देने जाएगी उसको ये काम नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो ज़्यादा मेकअप करके जाती है एग्ज़ाम देने तो जब तलाशी होती है तो उस टाइम उनको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़, उनके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, नेल पॉलिश उनको नहीं होनी चाहिए। अगर नाखून जो है यानी जो नेल है उनको अगर पॉलिश किया हुआ है तो वो अलाउड नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपने कर लिया, मान लो आप करके जाते हैं या फिर ज़्यादा मेकअप करके आप एग्ज़ाम में चले गए, तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो आपकी तलाशी जब होती है, आप जानते हैं ना कि कोई बच्चा चीटिंग ना ले जाए, कोई बच्चा मोबाइल ना ले जाए, कैलकुलेटर तो नहीं है किसी के पास में, तो इसलिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते तो आपकी तलाशी भी ली जाती है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आपके बड़े नाखून है तो आपको डांट पड़ सकती है, आपको भला बुरा कहा जा सकता है, आपने ज़्यादा मेकअप कर रखा है या फिर आपने कोई ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं या फिर दिखने में सही नहीं है, तो वो चीज़ के लिए आपको डांट पड़ सकती है। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो अपने नाखून को कट करें, आप उनको पॉलिश ना करें, आप ज़्यादा मेकअप ना करें। इसलिए जो है वो अगर आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।